पाकिस्तान और इंग्लैंड के तरकश में कई तीर ऐसे हैं जो निशाने पर लग जाएं तो अपनी टीम को T20 का चैंपियन बना सकते हैं। चंद एक की कारकर्दगी का तारुफ आपसे करवा रहे हैं हमारे एंकर इमरान सनावला। पाकिस्तान और इंग्लैंड के पास कई एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि किसी भी वक्त मैच का पांसा पलट सकते हैं। ये है कौमी कप्तान बाबर आजम। तवील अरसे तक T20 की आलमी रैंकिंग में नंबर वन रहने वाले ओपनर सेमीफाइनल में 50 बनाकर रिदम में आ गए। वो अब तक 98 T20 मैचों में 3,323 रन बना चुके हैं, इनमें दो सेंचुरियां भी शामिल हैं। नायब कप्तान शादाब खान इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में हैं। बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी खूब इंसाफ करते हैं। वो अब तक 6 मैचों में 10 विकेटें ले चुके हैं। शाहीन शाफरीदी फिटनेस मसाइल में ऐसे उलझे कि इब्तदाई दो मैचों में कोई विकेट ना ले सके, लेकिन अगले 4 मैचों में 10 शिकार कर डाले। वो मध्य मुकाबल टीम के लिए हमेशा खतरे की अलामत हैं। रिजर्व खिलाड़ी मोहम्मद हारिस को फखर जमान के अनफिट होने पर मौका मिल गया। अब तक 3 मैचों में 5 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए हैं। जारहाना स्ट्रोक से पूरी टीम का मिजाज बदल चुके हैं। ये है जी इंग्लिश कप्तान और विकेटकीपर जोस बटलर। मैगविन के 5 मैचों में 199 रन बना चुके हैं, विकेटों के पीछे 8 शिकार भी किए। सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ 80 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली। ओपनर एलेक्स हेल्स 5 मैचों में इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा 211 रन बना चुके हैं। इन्होंने नाकाबले शिकस्त 86 रन बनाकर सेमीफाइनल में भारतीय टीम को बुलंदोबांग दावों की खूब सजा दी। और फास्ट बॉलर सैम करन पाकिस्तान के खिलाफ 7 मैचों की सीरीज के बाद वर्ल्ड कप में भी डेथ ओवर्स में शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। वो अब तक बाएं हाथ से 10 विकेटें ले चुके हैं।